आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक 80 शब्द प्रति मिनट की अभी डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। ये डिक्टेशन आपकी स्पीड को भी बढ़ाएगी और गलतियों को भी कम करेगी। और यदि किसी कारण से आप लोगों की स्पीड नहीं बन पा रही है, गलती आदि आ रही है, तो आज ही आप हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासों को ज्वाइन कर सकते हैं। एडवांस आउटलाइन की बुकों को परचेज कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बुकों को परचेज करना हो, कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है, तो अभी मैं आपको ये डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। डिक्टेशन लिखने के लिए आप लोग तैयार रहे। रेडी। अध्यक्ष जी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव पर अपने विचार बड़ी भावना के साथ और अपने दिल की गहराई के साथ प्रकट किए हैं। आज हमारे देश की एकता को खतरा पैदा हो गया है। देश में ऐसी शक्तियां पैदा हो रही हैं जो देश को टुकड़ों में बांट देना चाहती है। इस प्रकार की शक्तियों का सामना किस प्रकार से किया जाए, इस पर हमारे विरोधी दल के सदस्यों को विचार करना चाहिए। लेकिन देखने में यह आता है कि विरोधी दल देश की मूल समस्याओं से मुंह मोड़कर दूसरी साधारण बातों की ओर ध्यान देने लगता है। मैं विरोधी दल के नेताओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे अवसर पर जब हम विचार करना चाहते हैं जिनके लिए हमारे देश में क्षेत्रीय प्रश्नों को लेकर, भाषा के प्रश्नों को लेकर हमारे नागरिक आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, ऐसे प्रश्नों पर विचार करते समय हमें दलगत राजनीति से अलग होना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे हमारे देश की एकता को खतरा पैदा हो जाए। आज हम सीमाओं पर क्या देख रहे हैं? एक तरफ तो पाकिस्तान उग्रवादियों को बढ़ावा दे रहा है और दूसरी तरफ चीन हमारी सीमाओं पर विवाद खड़ा कर रहा है। आज हम सब इस बात का अनुभव करते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं और क्षेत्रीय नारों को देने वाली पार्टियां बढ़ रही हैं। इनका मुकाबला हमें राजनीतिक स्तर पर करना चाहिए। मैं यह बात जोर देकर कहना चाहता हूं कि यह बात सही है कि हमारे देश के अंदर जो स्थिति पैदा हुई है, जो प्रश्न खड़े हुए हैं, वे सारे प्रश्न ऐसे हैं जिसमें दो राय नहीं हो सकती है। आज हमारे देश के अंदर क्षेत्रीय असंतुलन है। कुछ ऐसे प्रदेश हैं, जनता के कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनकी आर्थिक प्रगति पिछले 20 वर्षों के अंदर दूसरों के मुकाबले कम हुई है, और इसको लेकर आज उनके अंदर असंतोष की भावना पैदा हो रही है। आज ऐसे लोग हैं जिनका आर्थिक सामाजिक रीति से इस देश के अंदर शोषण भी हो रहा है, और वे यह महसूस करते हैं कि उनका राजनीतिक शोषण भी हो रहा है।
यही कारण है कि वे लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। हमें उन्हें सही दिशा में लाना है। इसके लिए सरकार को भी प्रयत्न करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि केवल उपदेश देने से काम नहीं चलता है। आज आवश्यकता इस चीज की है कि ऐसे प्रश्नों पर सारे राजनीतिक दल आपस में बैठकर गंभीरता पूर्वक विचार करें, कम से कम देश हित के प्रश्नों पर हमें एक होकर काम करना चाहिए। इन अल्फाज के साथ में तमाम विरोधी दलों से निवेदन करूंगा कि जो अविश्वास प्रस्ताव वे सदन में लाए हैं उसको वापस ले लें। हमारा देश एक महान राष्ट्र है। हमें उसकी गरिमा के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। फुल स्टॉप। तो दोस्तों ये थी 80 शब्द प्रतिमिनट की डिक्टेशन। शॉर्ट हैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी शानदार वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।